वेदांत रश्ति भैया एक ऐसे क्रिएटर है जिनको मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में देखना, और उनके ही वीडियोज़ को देख के मेरा एडिटिंग करने का स्टाइल थोड़ा इंस्पायर्ड है। एंड उनकी एडिटिंग थोड़ी मिनिमल होती है बट बहुत ही इफेक्टिव होती है ऑडियंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फॉर फोटोग्राफी। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनके बता देता हूँ, माय शोम और मैं चलो फोटोग्राफी और एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शांत रश्मि भैया की इतने सारे चैनल्स है, अगर उन सारे चैनल्स का नाम लेने बैठूँ तो एक वीडियो उसी पे बनानी पड़ेगी। बट उनके दो चैनल के बारे में हम बात करते हैं जिस पे वो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी तक, वेदांत रश्मि एंड स्टोरी विद वेदांत रश्मि। स्टोरी विद वेदांत रश्मि उनका पॉडकास्ट चैनल जिस पे वो पॉडकास्ट रिलीज करते हैं। उन्होंने एक एडिटर हायर करके रखा हुआ है, तो उसके बारे में कब बात करेंगे। वेदांत रश्मि चैनल वो खुद हैंडल करते हैं और उस पर एडिटिंग प्रोसेस भी उनका खुद का होता है। तो उससे पहले बात कर लेते हैं उनके वीडियो स्ट्रक्चर की, कि उनका वीडियो किस तरीके से होता है। इंट्रो आउट्रो होता है विथ उनका लोगो। जब इंट्रो स्टार्ट करते हैं तो उन कुछ नहीं आता, सीधे उनका लोगो आता है वो भी स्क्रीन पे, वो बात करते रहते हैं और लोगो आके चला जाता है, वो उनका इंट्रो। फिर कंटेंट एंड कुछ मल्टीपल पार्ट्स में कंटेंट उनका डिवाइड रहता है, जैसे टाइम स्टैम्प्स यूज़ कर सकूँ उनके कंटेंट में। और लास्ट में आउट्रो रहता है एंड CTA रहता है जिससे कि उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का वीडियो स्ट्रक्चर रहता है एंड एलिमेंट्स वो भर भर के डालते हैं अपने वीडियो में, तो उन एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो उनके वीडियो में होता है टाइम स्टैम्प्स। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे उनके हर वीडियो में आपको टाइम स्टैम्प्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जिस भी पार्ट पे जाना चाहते हो तो ईजिली तरीके से जा सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है। सेकेंड चीज़ जो है वो उनकी लोगो है, क्योंकि लोगो ही उनका ब्रांड इमेज है, तो वो लोगो को हर टाइम यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग उनका लोगो आ जाता है। एंड जैसे कि वो ज़्यादातर बैठ के बात करते हैं तो स्लो जूम इन एंड जूम आउट फीचर वो यूज़ करते हैं कि हमेशा फ्रेम हिलता रहे, ऐसा दिखाई दे ऑडियंस को, बोरिंग। नेक्स्ट चीज़ जो है वो बहुत ही चीज़ों से मिलकर बनी है, पैरा टेक्स्ट, फिर क्लिक इफेक्ट, सेकेंड ग्लिच इफेक्ट एंड फिर सेकिंग इफेक्ट। ये सारी चीज़ें सिर्फ टेक्स्ट के अंदर वो डालते हैं और वो टेक्स्ट उनके स्क्रीन पे आता है, कुछ भी स्पेशल चीज़ उनको कहना है या कोई भी इम्पैक्ट वर्ड अगर वो बोलते हैं तो इस तरीके के फॉर्मेट में वो आता है, जो चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ सारी वीडियोज़ में। अगला इफेक्ट जो वो यूज़ करते हैं टेक्स्ट विथ ब्लैक स्क्रीन, मतलब ट्रांजिशन होता है पर उसमें टेक्स्ट भी आता है कि नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टॉपिक क्या है, वो उस चीज़ में वो बता देते हैं। उसके बाद एक इफेक्ट आता है, वो भी टेक्स्ट से रिलेटेड ही है, हर टेक्स्ट पे लिखने जब भी वो चीज़ें बोलते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आती है एंड उस पर हर टेक्स्ट पे क्लिक एंड जूम का इफेक्ट आता है। तो ये भी चीज़ बहुत ही फेमस और उनकी फेवरेट चीज़ है ग्लिच इफेक्ट, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उनकी कई वीडियोज़ में कई बार ग्लिच इफेक्ट्स होता है एंड जो वो ग्लिच इफेक्ट आता है तो ट्रांजिशन करने में, बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको पहले कई बार जब एक दूसरा इफेक्ट है जब वो टेक्स्ट यूज़ करते हैं उनका पीछे का बैकग्राउंड जो होता है वो हल्का सा ब्लैक हो जाता है जिससे कि वो टेक्स्ट ही फोकस में आता है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में उनकी म्यूज़िक की बैकग्राउंड म्यूज़िक बात करते हैं, वो कॉपीराइटेड फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करते हैं, शायद एपिडेमिक साउंड है, शायद कन्फर्म नहीं है, पर कॉपीराइटेड फ्री। लास्ट इफेक्ट जो वो यूज़ करते हैं टेक्स्ट को मल्टीपल फॉर्म्स में मिनिमम 5 बार वो टेक्स्ट सेम टेक्स्ट लिख के आता है जिससे कि किसी का इंसान अगर वो टेक्स्ट पढ़ना चाहता है तो इजी तरीके से पढ़ सके, उसका फोकस सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर जाए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको वेदांत रश्मि भैया की तरह वीडियो एडिट करना सीखना था तो ये रही वो वीडियो। अगर आपको मलिका, कैप्टन इंडिया, कैमरा भैया, शिवाजी पाठी भैया की तरह वीडियो एडिट करना सीखना है तो आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, लास्ट के एंड स्क्रीन में आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके 100% देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दो वीडियो और बची हुई है 7 डेज चैलेंज कंप्लीट करने के लिए।